विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति पर कांग्रेस सांसद ने किए वक्तव्य एवं मंत्रिमंडल विस्तार पर भाजपा सरकार को तीखे शब्दों में प्रहार किया है। देखो, बीजेपी की जो संस्कृति है, जो कल आपने स्मृति ईरानी के माध्यम से आपने देखा है, एक त्याग मूर्ति जिसका सम्मान आज पूरे देश की जनता जिस सोनिया गांधी का करते हैं, जिनके नेतृत्व में यूपीए के दो बार सरकार आई है, लोगों ने उनके ऊपर विश्वास रखा है, उस नेतृत्व को जिस तरह से निचले लेवल पर जाकर बीजेपी ने अपनी संस्कृति का दर्शन दिखाया है, उसकी देश की महिलाएं तक, क्या देश की जनता भी उनको माफ़ नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट और उनके MLA दोनों का डर उनको है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। सरकार जिस तरह से महाराष्ट्र में दो लोगों की अपंग सरकार काम जो कर रही है, तो आप राज्यपाल जी महोदय कहाँ हैं? नहीं तो राज्यपाल जी तो बहुत अपनी महाविकास आघाड़ी में अपनी बातें करते थे, अब क्यों चुप बैठे हैं? ये भी सवाल जनता पूछ रही है। जो बीजेपी राज्यपाल पदों, जो संविधानिक पदों को कैसा दुरुपयोग करती है, उसका भी अंदाज अब महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को आई है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जिस तरह से तानाशाही से संविधानिक व्यवस्था के विरोध में जाकर लोकतंत्र को न मानने का काम जो बीजेपी आज देश में कर रही है और राज महाराष्ट्र में कर रही है, उसका इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। देखो, गढ़चिरौली में जो तरह से नुकसान हुआ है, उसमें बीजेपी का ही, जैसे आसमानी संकट नहीं था, ये सुल्तानी संकट भी था। 2014 में जो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, उसमें उस समय के राज्यपाल विद्याधर राव जो थे वो तेलंगाना से थे। उसमें गढ़चिरौली के और तेलंगाना के बीच में जो मेडीगड्डा में जो बड़ा डैम बना है, उसका ही नुकसान बड़े पैमाने में गढ़चिरौली जिले में हुआ है, चंद्रपुर जिले में हुआ है, गोदावरी नदी से, और उसके सब परिणाम ये बीजेपी के पापों का है जिसे वहाँ की जनता भुगत रही है। हम लोगों की मांग रहेगी कि जैसे 75,000 रुपया हेक्टर ही किसानों को मदद करना चाहिए, मांग है, लेकिन गढ़चिरौली जिले में उनके पापों के वजह से वहाँ की जनता को ये पाप भुगतने का आज ये मिला है, इसलिए उसमें ज़्यादा कॉम्पेंसेशन वो वहाँ के लोगों को देना चाहिए, ये मांग कांग्रेस करेगी।